Assalamu alaikum. My name is Aqeel Akbar. आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास क्या है? Exercise 2.4 question number 1 का part number 1 है हमारे पास important तरीन long question में है. Exercise 2.4 question number 1 का juice कौन सा है हमारे पास? 1. इसको आपने कैसे simplify करना है? इसको आपने step by step solve करना है. अब देखें. अब हमारे पास यहां पे यूज होंगी 8 प्रॉपर्टीज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की. अब जब जब ये यूज होंगी मैं आपको इस तरह इंशाल्लाह तआला इसको इलैबोरेट भी करता जाऊंगा कौन सी प्रॉपर्टीज कहां पे यूज होंगी. इसको आप देख सकते हैं a की पावर n into a की पावर m है. तो जब हमारे पास बेसिस सेम हो तो जो पावर्स होती हैं वो सिंपलीफाई हो जाती हैं. अगर हमारे पास a की पावर m बाहर वाली n के साथ क्या होगी? मल्टीप्लाई. तो हम ब्रैकेट्स को खत्म करके इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे. अगर हमारे पास हो a b की पावर n तो जब हम इनको सिंपलीफाई करेंगे a की पावर n b की पावर n को सिंपलीफाई करवा देंगे. ठीक है. यहां पे हम जहां जहां पे जो जो प्रॉपर्टी यूज होगी जब इस क्वेश्चन में यूज होगी तब आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि ये प्रॉपर्टीज का मकसद क्या है. सबसे पहले देखें सबसे पहले हम कौन सी प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे. सबसे पहले हम इस वाली 7 वाली प्रॉपर्टी को यूज करेंगे. 7 वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे पास एक वैल्यू a की पावर n इज इक्वल टू अगर पावर ही हमारे पास नेगेटिव आ गई है तो हमने उसको पॉजिटिव कैसे करना है. फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी हमें क्या कह रही है a की पावर है n इज इक्वल टू यहां पे है a की पावर माइनस n. यहां पे क्या है a की पावर माइनस n. क्वेश्चन में भी क्या है कि 243 की पावर क्या है माइनस 223. सबसे पहले आपने इस नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव टर्म में लेके जाने तो हम क्या कर देंगे इसका रेसिप्रोकल 1 ओवर a की पावर प्लस n कर देंगे. सिंपल a की पावर माइनस n को हम सिंपल पॉसिबल किस में कर देंगे पॉजिटिव में कर देंगे 1 ओवर उसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे. इसी तरह अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में भी यहां पे भी नेगेटिव है यहां पे भी नेगेटिव है यहां पे भी नेगेटिव है. तो जब ये नीचे आएगी ये -2 ओवर 3 -1 ओवर 5 ये -1 इसको जब सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको हम पॉजिटिव करते हैं इन पर नेगेटिव साइन को सबसे पहले हम किस में करते हैं पॉजिटिव करते हैं. तो हमारे पास क्या होगा देखें यहां पे -223 ये ओवर वैसे का वैसे ही ठीक है. जब हम इसको नीचे लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा 243 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी पॉजिटिव में +2 ओवर 3 ठीक है. ऊपर किस में थी नेगेटिव में जब नीचे आ गई तो हमारे पास किस में हो गई पॉजिटिव में ठीक है. यहां पे हमारे पास 32 था यहां पे हमारे पास -1 ओवर 5 है. जब हम इसको नीचे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगी 32 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी +1 ओवर 5. ऊपर नेगेटिव थी नीचे आगे किस में हो गई पॉजिटिव में. ऊपर नेगेटिव थी नीचे आगे किस में हो गई पॉजिटिव में. सिंपल मैंने क्या किया नेगेटिव को पॉजिटिव किया नेगेटिव को पॉजिटिव किया. अब ये नीचे किस में है नेगेटिव में. जब हम इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो किस में हो जाएगी पॉजिटिव में. तो हमारे पास क्या आ जाएगा 196 आ जाएगा यहां पे ठीक है. यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा यहां पे शहजादो आपके पास आ जाएगा 196 और पावर हम +1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है. अब देखें ये नेगेटिव को हमने चेंज कर दिया पॉजिटिव में इस नेगेटिव को भी हमने चेंज कर दिया पॉजिटिव में और इस नेगेटिव को भी हमने चेंज कर दिया किस में पॉजिटिव में ठीक है. अब सेकंड स्टेप स्टेप नंबर 1 नेगेटिव चेंज टू पॉजिटिव. स्टेप नंबर 2 फैक्टराइज करें. अब फैक्टर्स कैसे बनाने हैं सबसे पहले 196 के हम फैक्टर्स बनाते हैं. 196 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो हमारे पास क्या बनेंगे 2 9 द 18 1 कैरी 2 8 द 16 इधर क्या आ जाएगा 2 4 द 8 1 कैरी 2 9 द 18 7 7 द 49 7 1 द 7. 196 के हमारे पास फैक्टर्स क्या बन गए 2 2 2 2. अब इसके रूट के अंदर हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर 243 के. अब हम फैक्टर बनाते हैं हम किसके फैक्टर बनाने जा रहे हैं 243 के. 243 के फैक्टर्स कौन से बनेंगे हमारे पास सबसे पहले आएगा 3 8 द 24 ठीक है. 2 के टेबल पे तो डिविजिबल ही नहीं है पहली 3 लास्ट में 3 है तो इधर क्या आ जाएगा 3 1 द 3. अब 81 के फैक्टर्स बनाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 2 द 6 2 कैरी 3 7 द 21 इधर क्या आ जाएगा 3 9 द 27 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3. अब देखें 243 के हमारे पास कौन से फैक्टर्स बन गए 243 के बन गए 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ठीक है.
और बाहर हमारे पास क्या आएगा, सॉरी ये स्केयर रूट तो हमने पास आना ही नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर आ जाएगी 2 ओवर 3 इंटू 32 के अगर हम बनाएंगे तो 32 के क्या बनेंगे 216, 28, 24, 22 एंड 21। 32 के कितने बन गए 1 2 3 4 5, 32 के बन गए 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 1 ओवर 5 आ गई। ठीक है, अब देखें, अब हम इसको इकट्ठा करके लिख सकते हैं, 2 की पावर कलेक्ट करके लिख देते हैं, 3 की पावर कलेक्ट करके लिखते हैं, ये 2 की पावर कलेक्ट करके लिखते हैं, 7 की पावर को कलेक्ट करके लिखते हैं, तो हम ऊपर वाली वैल्यू को लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2, क्योंकि 2 2 टाइम्स है तो मैंने लिख दिया 2 की पावर 2, 7 2 टाइम्स है तो मैंने लिख दिया 7 की पावर 2 ओवर, इधर 3 कितनी टाइम्स है, यहाँ पे हमारे पास 3 1 2 3 4 5, 3 है हमारे पास 5 टाइम, बाहर भी क्या है 2 ओवर 3। ठीक है, अब 2 हमारे पास कितनी टाइम है, 2 1 2 3 4 5, 2 हमारे पास 5 टाइम है और बाहर क्या है 1 ओवर 5। यहां तक स्टेप समझ आ गई, ठीक है, अब हम इसको करते हैं रब। अच्छा जी, अब हमारे पास आगे क्या होगा देखें जरा, ये देखें, स्केयर रूट 2 की पावर 2, 7 स्केयर रूट 2 की पावर 2। ठीक है, अगर हम इसको सेपरेट करके लिखते हैं, अगर मैं यहां पे जरा इजी होके करके लिखूं ताकि आपको समझ आ जाए, तो ये देखें स्केयर रूट का मतलब क्या है 1 ओवर 2, स्केयर रूट का मतलब क्या है 1 ओवर 2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। ठीक है, और इस स्केयर रूट का मतलब क्या है 1 ओवर 2, और इसको हमने सेपरेट करके लिख दिया, अलग अलग करके लिख दिया, ये वाली प्रॉपर्टी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, स्केयर रूट ए बी को हमने अलग अलग करके लिख दिया, स्केयर रूट ए स्केयर रूट बी, और वैल्यू पावर हमारे पास क्या है कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है ये स्केयर रूट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1 ओवर 2, और अगर हम नीचे देखें तो नीचे हमारे पास क्या है, अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 5 2 10 ओवर 3 डॉट, ये 5 5 से कैंसिल, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 2। ठीक है, ये 5 5 से हुआ कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या रह गया 2। अब देखें, अब ये स्केयर स्केयर से कैंसिल, ये स्केयर स्केयर से कैंसिल, ठीक है, और बाकी क्या रह गया, ये 2 2 से कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या रह गया 7 ओवर 3 की पावर 10 ओवर 3। अब यहां से क्वेश्चन जरा गोलमोल होने लगा, अब कैसे गोलमोल होगा देखें, ऊपर क्या आ गया 7 ओवर 3 की पावर 10 ओवर 3, 7 ओवर 3 की पावर 10 ओवर 3। अब देखें, मैं कहता हूं यार इस एक्सपोनेंशियल, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कौन सी फॉर्म है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, 10 की पावर 3 हमारे पास कौन सी फॉर्म है एक्सपोनेंशियल। मैं कहता हूं यार इसको रेडिकल में चेंज करो, मैं कहता हूं इसको आप रेडिकल में जब चेंज करोगे तो रेडिकल में सबसे पहले आप रेडिकल का सिंबल लगाओगे ना यार, ठीक है, ओके। अब देखें, अब रेडिकल के बाहर क्या आ जाएगा पावर में 3 और अंदर क्या आ जाएगा 3 की पावर 10, समझ आई बात की कि नहीं, सिंपल इस 3 को मैंने शिफ्ट कर दिया स्केयर रूट से पहले और बाकी क्या रह गया 3 की पावर 10। अब देखें ध्यान से एक बात समझें जरा, अब देखें इधर है हमारे पास 10 और इधर है हमारे पास 3, यहां पे है 10 और यहां पे है 3, मैं कहता हूं 3 का अगर हम टेबल देखें 3 1 3, मैं कहता हूं 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, तो कहने का मतलब क्या है 9 is divisible of 3, 9 3 के पहाड़े पे जा रहा है, ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है 10, लेकिन हमें चाहिए क्या था 9, यहां पे है क्या 10, अगर हम इसको ब्रेक कर दें, जैसे कि ये प्रॉपर्टी देखें स्केयर रूट ए बी में अगर हम इसको सेपरेट करके लिखेंगे तो स्केयर रूट ए सेपरेट कर दें, स्केयर रूट बी सेपरेट कर दें, तो अब हम इसको इस तरह से कुछ सेपरेट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कैसे, स्केयर रूट 3 की पावर कर देते हैं 9, ठीक है, और ए को बाहर निकाल देते हैं 3 की पावर 1, जो हमारे पास 2.5 में यूज होंगे ये रूल्स, देखें जरा, ठीक है, हमने क्या किया इस 9 में से ए को सेपरेट कर दिया और हमारे पास बाकी क्या रह गया, एक सेपरेट किया तो बाकी क्या रह गया 9, ठीक है। अब देखें, अब जब हम इसको सोल्व करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको आपको सोल्व करके दिखाता हूं तो हमारे पास क्या है 3 की पावर 9 3,
इधर क्या है 3 की पावर 1, ठीक है, इधर क्या है 3, देखें ये स्केयर रूट 3 सेम आ गया, ठीक है। बेसिस जब हो आपके पास सेम, बेसिस जब हो आपके पास सेम, ये 3 और ये 3 सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी 9 प्लस 1। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एज इट इज वही लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा बाकी का, ये वाला, ठीक है। हमने क्या किया, 9 को लैदा कर दें, 1 को लैदा कर दें, 9 को लैदा कर दें, 1 को लैदा कर दें, ठीक है। अब देखें जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 ओवर, यहां पे देखें कटिंग पॉसिबल है, 3 1 3 3 3 9, तो हम इसको ऐसे करते हैं 3 की पावर 9, बाहर क्या आ जाएगी हमारे पास 1 ओवर 3, बाकी हमारे पास क्या है 3 की पावर 3। अब देखें अब हमारे पास 3 1 3 3 3 9, हमारे पास क्या आ गया 3 की पावर 3 × 3 की पावर 3, यानी कि ये 3 स्क्वायर रूट के बाहर है 3। अब 3 की पावर 3 का मतलब क्या है, 3 की पावर 3 का मतलब है 3 × 3 × 3 इज इक्वल टू 27, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। हमारे पास इसका सिंप्लीफाइड आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 7 ओवर 3 की पावर 3, 27 स्क्वायर रूट 3 ओवर 3। यहां पे हमारे पास कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का जूज नंबर 1। अगर आपको इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो काइंडली दोबारा इसको फिर वीडियोस को देखिएगा, इंशाल्लाह ताला अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसकी बार बार रिवीजन करनी है, जब तक इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर ना लें तब तक आपने इसकी रिवीजन करते रहना है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मैथ्स की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिल सके। अगर आपको मैथ्स की सारी वीडियोस चाहिए तो www.mathskidunia.com पर लाजमी विजिट कीजिएगा। अपना अपने वालदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।